राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनाली राम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनाली राम हर वर्ष दो दो पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनाली राम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनाली राम के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखाकर उसके द्वारा तेनाली राम को छक्कर भंग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भंग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनाली राम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वह दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही टपट कर बोले, रे मूर्ख तेनाली राम जी, आज के दिन भी भंग छान कर सो गए। राजा ने तेनाली राम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हां में हां मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनाली राम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनाली राम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कराता हुआ महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनाली राम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनाली राम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनाली राम हर साल की तरह फिर झपट ले गया। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनाली राम के विरोधियों को तेनाली राम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? नहीं तो डॉट क्या हुआ? राजा चौंके, महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूं। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है, राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा। महाराज तेनाली राम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले, मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनाली राम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनाली राम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनाली राम राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है, राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज आपको जितना विश्वास तेनाली राम की सच्चाई पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनाली राम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया।
दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनाली राम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनाली राम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनाली राम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनाली राम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनाली राम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनाली राम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा, तेनाली राम ने राजा से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनाली राम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनाली राम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनाली राम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनाली राम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनाली राम से उसका परिचय पूछा। तेनाली राम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनाली राम हूँ। उस राजा ने तेनाली राम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनाली राम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनाली राम का भरपूर स्वागत किया। तेनाली राम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनाली राम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे